आज हम करने वाले हैं स्पेशल रिपोर्ट में कैटरीना कैफ के परिवार, उसकी तलाकशुदा माँ, उसकी बहनें और पिता के छोड़ देने के बाद कितना दर्द भरा रहा है कैटरीना का बचपन, आज इसी का करेंगे खुलासा इस स्पेशल रिपोर्ट में। तो बिना देरी किए सुनाते हैं आपको इस रिपोर्ट में पूरा सच। कैटरीना की तीन बड़ी बहनें हैं, स्टीफनी, क्रिस्टिन और नताशा, एक बड़ा भाई माइकल, तीन छोटी बहनें मोलिसा, सोनिया और इजाबेल है। कैटरीना जब छोटी थी तभी उनके माता पिता का डायवोर्स हो गया था, ऐसे में उनकी माँ अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश करती थी। कैटरीना कैफ की शादी को लेकर यूं तो हर जगह काफी ज्यादा बज़ है। एक्टर विकी कौशल के साथ कैटरीना की वेडिंग न्यूज टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है। हालांकि दोनों की अपनी शादी की खबरों पर दोनों ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, दोनों अभी भी अपनी शादी की खबरों को लेकर शांत है। बता दें कि कैटरीना कैफ अपने 8 भाई बहनों की मंझली बहन है। शुरुआत कैटरीना कैफ के बर्थ प्लेस से करते हैं। बता दें कि कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई सन 1983 को हांगकांग में हुआ था। कैटरीना कैफ के पिता मोहम्मद कैफ एक कश्मीरी मूल के ब्रिटिश बिजनेसमैन हैं और माँ सुजैन टकुट इंग्लिश लॉयर और चैरिटी वर्कर हैं। कैटरीना की तीन बड़ी बहनें हैं, एक बड़ा भाई है और तीन छोटी बहनें हैं। कैटरीना जब छोटी थी तभी उनके पेरेंट्स का डायवोर्स हो गया था, जिसके बाद कैटरीना की माँ ने अकेले अपने सभी बच्चों की परवरिश की। माँ ने अपने बच्चों को कभी किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। कैटरीना ने अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था। कैटरीना ने बताया था कि उनकी माँ ने उनकी जिंदगी लोगों की भलाई करने के लिए सौंप दी। वो लंबे समय तक तरसती रही अपने पिता से कॉन्टेक्ट करने में। कैटरीना की स्कूलिंग बड़ी दिलचस्प थी, उनके बड़े भाई बहनों की पढ़ाई पर भी उनके सारे ट्यूटर्स ने करवाई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कैटरीना अपनी माँ के काम के चलते एक जगह से दूसरी जगह बाहर बाहर जाती थी। हांगकांग में जन्म होने के बाद कैटरीना चीन गई, फिर जापान गई, फिर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूरोपियन जैसे कई सारे देशों में गई। कैटरीना ने पोलैंड, बेल्जियम, हवाई में कुछ समय बिताया, जिसके बाद वो लंदन गई। लंदन में 3 साल रहने के बाद वो वापस इंडिया लौट आई। इंडिया में कैटरीना कैफ ने को कई सारे काम ऑफर्स किए गए, जिसके बाद वो यहाँ शिफ्ट हो गई और उसके बाद उनका एड्रेस बन गया मुंबई। कैटरीना ने भारत आने के बाद अपना सरनेम बदला, उनका नाम अपनी माँ का सरनेम कैटरीना टॉकट से, जिसे भारत आने पर कैटरीना ने बदलकर अपने पिता के सरनेम पर कर लिया था। कैटरीना कैफ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लोगों को कैफ कहना के मुकाबले ज्यादा आसान लगा। 2003 में बॉलीवुड डेब्यू के बाद कैटरीना भारत में ही रहने लग गई और इसके बाद 18 साल अब कैटरीना को भारत में रहते हुए वक्त बीत चुका है। ऐसे में आज कैटरीना कैफ बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी है। तो ये है पूरी खबर कैटरीना कैफ के बचपन से लेकर उनके माता पिता के डायवोर्स, उनके परिवार, उनकी भाई और बहनों की पूरी खबर। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।